इंडिया में आज भी एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार लेना मुश्किल है। समय था जब आप एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार मात्र 6 लाख रुपए में खरीद सकते थे। 1969 से सैन इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लोकोमोटिव क्रेन्स और एक्सेल्स बना रहे थे। 1996 में उन्होंने कार लॉन्च करने की सोची और 1998 में मिली हमें सैंडस्टॉर्म। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग के लिए फ्रांस के लमार डिजाइन ग्रुप के साथ किया टाई अप। सैंडस्टॉर्म में था 1150 सीसी का रेनो D7F 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर थी 60 bhp और टॉप स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर। फाइबर ग्लास की बॉडी और ट्यूबलेस स्टील शैसी। सिर्फ 800 kg का कर्व वेट। 0 to 100 सिर्फ 12 सेकंड्स में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सैंडस्टॉर्म में बॉडी और शैसी के अलावा अपना कुछ था ही नहीं। पावर विंडो स्विचेस फोर्ड आइकन के, एसी फियाट उनो का, लाइट्स और वाइपर एस्टीम से उठाए हुए। हैंडमेड होने के कारण पैनल गैप्स भी थे। कहने को स्पोर्ट्स कार पर एक मारुति 800 पीछे छोड़ देती थी। सिर्फ 200 यूनिट बिकने के बाद सैंडस्टॉर्म को 2013 में कर दिया डिस्कंटिन्यू। हमारी नेक्स्ट स्टोरी के लिए अपनी गाड़ी को नॉमिनेट करें कमेंट्स में। और ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।